नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपने लव मैरिज कर लिया है और उसके बाद से यदि कपल में से कोई भी एक व्यक्ति अपना बयान बदल दे या फिर कपल में से कोई एक, चाहे लड़की हो या लड़का, वह अपने दूसरे साथी पर यह आरोप लगा दे कि मुझे बहला फुसला करके शादी किया है और इस शादी के लिए तो मेरी सहमति थी ही नहीं, वैसे स्थिति में हमारा कानून क्या कहता है और आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है। देखिए, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स लीला में जो शादियां होती हैं, हम ठोक बजा करके यह बात दावे के साथ कहते हैं कि हमने जो शादी कराई है वह बिल्कुल पक्की है, जेन्युइन है और लीगल है। जो भी कपल हमारे पास आते हैं शादी के लिए, शादी के बाद से हम उनको यह जरूर बताते हैं कि आपके पास अब क्या कानूनी विकल्प हैं और आपके पास क्या कानूनी अधिकार मिल गए हैं। साथियों, शादी के बाद से आम तौर से ज़्यादातर 99% लड़के यह सवाल जरूर पूछते हैं कि यदि लड़की जो है वह अपना बयान बदल दे तो क्या होगा, और लड़कियां भी यह पूछती हैं कि शादी के बाद से लड़का अगर मेरे को केयर ना करे तो क्या होगा। मैं आपको यह बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप लव मैरिज करते हैं हमारे थ्रू, जब हमारे पास आते हैं तो कई डॉक्यूमेंट्स पे हम साइन करवाते हैं, जिसमें आपके बयान पे साइन करवाया जाता है, जिसमें आप हमारा रिकॉर्ड्स होता है आर्य समाज मंदिर का, उस पर कई सारे रिकॉर्ड्स पे साइन करते हैं, आप रजिस्टर में साइन करते हैं, कई रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है जहाँ पे आप ना केवल साइन करते हैं बल्कि अंगूठे का निशान भी लगाते हैं। उसके बाद से आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिर हम आपकी शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक निशान लगता है, आपके बयान को जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद से वहाँ पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर आपने इतने प्रोसेस होने के बाद से यह कह दिया शादी करने के बाद से कि हमको तो धोखे से फंसा करके शादी किया गया है, तो यह आप एक तरीके से भारतीय कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और आप भारतीय कानून का माखौल बना रहे हैं। इसमें आपको नतीजे में आपके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लग सकता है, बहुत सीरियस पीसी के सेक्शन के अंदर आप पे मुकदमा हो सकता है। एक सेक्शन है आईपीसी का 420 जिसमें धोखाधड़ी का है। अगर लड़का या लड़की शादी के बाद से कोई भी बयान को बदलते हैं तो 420 का सेक्शन लगता है। उस 420 के सेक्शन लगने से आपको लड़का या लड़की जो बयान बदल रहे हों उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और तमाम तरह की कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो पहले ही पूरी तरह से विचार विमर्श कर लें, उसके बाद लव मैरिज करें। एक बार जब लव मैरिज आप कर लेंगे और आपका शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद से यदि आप बयान बदलते हो तो आपके खिलाफ काफ़ी सीरियस केस हो सकता है जिसमें आपको जेल भी कई वर्षों तक जाना पड़ सकता है। धन्यवाद।